बुकाड़ियों के टेबल पर वंदना सिंह जी की पुस्तक चाय की चाह और चाय की प्याली के साथ आप सुन रहे हैं पहाड़ों वाली चाय ज्योति झा की आवाज में। मैं कसौली के सनसेट पॉइंट पर खड़ा था। गोधूली बेला का समय था और सूरज बस अपनी लालिमा लिए हुए डूबने को तैयार था। पेड़ों के झुरमुट एवं पहाड़ों के बीच सूरज का यह रूप देखकर मैं मंत्रमुग्ध सा खड़ा था। रात भी कहीं छुप कर इस इंतजार में थी कि सूरज जाए और वह अपना पैर पसार ले। सच में सनसेट पॉइंट अपने नाम को चरितार्थ करता था, क्योंकि सूर्य अस्त का इतना सुंदर नजारा जो यहां से दिखता था। उस समय यहाँ सैलानियों की बहुत भीड़ थी। लोग अपने कैमरे व फोन के कैमरे से इस दृश्य को अपनी यादों में समेट कर ले जाना चाहते थे। मैं भी यहाँ अपने दोस्त विनीत के साथ आया था और अपने मोबाइल से ही अपने भी कुछ तस्वीरें अपनी और सूर्यास्त के लिए। सनसेट पॉइंट से लौटते लौटते हमें चाय की तलब होने लगी। हमने सोचा मॉल रोड चलकर ही चाय पी लेंगे और कुछ खा भी लेंगे। हम अपनी कार से ही कसौली गए थे तो हमने कार सनसेट पॉइंट से मॉल रोड की ओर घुमा दिया। मॉल रोड पर ही एक छोटे से रेस्टोरेंट में हम बैठ गए। हम रेस्टोरेंट में बैठे ही थे कि एक बूढ़े से अंकल पानी का गिलास रखने और ऑर्डर लेने आए। अंकल की उम्र इतनी ज्यादा थी कि गिलास रखते समय उनके हाथ कांप रहे थे। जब वह गिलास रखने आए तब मेरी नजर पहले उनके हाथ पर गई ही थी, क्योंकि मैं विनीत से बात करने में व्यस्त था। उनके कांपते हुए हाथ को देखकर मैं अपने आप को उनका चेहरा देखने से नहीं रोक सका। चेहरे को देखकर लगता था 70 वर्ष से ऊपर की ही आयु होगी। सिर के बाल और दाढ़ी पूरी तरह से सफेद, गले में मफलर, वो भी हाथ का बुना हुआ। उन्होंने काले रंग की ऊनी सदरी चेक शर्ट के साथ पहन रखा था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था ये वक्त तो रिटायरमेंट का है, न जाने क्यों इन्हें यह सब करना पड़ रहा है। उन्होंने कागज के प्रिंटआउट वाला मेनू, जिसे लेमिनेट कराया गया था, पकड़ाते हुए पूछा, साहब क्या लेंगे? विनीत ने जल्दी जल्दी मेनू देखा और कहा, 2 कप कड़क चाय और 2 मसाला मैगी। मैं अभी भी उन्हें देख रहा था। वैसे मैं कई पहाड़ी जगहों पर गया हूँ। पहाड़ी लोगों में एक बात बहुत अच्छी होती है, जैसा कि हम जानते हैं पहाड़ों पर जीवन मैदानी जीवन से अधिक कठिन होता है। उन्हें रोजमर्रा के साधन जुटाने के लिए भी पहाड़ों पर मीलों चलना पड़ता है। इन सब के बावजूद जो उनके चेहरे की मुस्कुराहट होती है वह अनोखी होती है, एक सुकून देने वाला होता है। साथ ही साथ उनका सैलानियों से मिलने का तरीका स्वागत भरा होता है। कोई अगर रास्ता भी पूछ ले तो बड़े प्यार से जवाब देते हैं। वही सुकून व सुखद वाली मुस्कुराहट अंकल के चेहरे पर भी थी। कहते हैं ना, खाने का जायका और भी बढ़ जाता है जब उसे परोसने वाला मुस्कुराहट के साथ उसे खाने के लिए परोसे। इस रेस्टोरेंट में भी ऐसा ही लग रहा था। अंकल ऑर्डर लेकर रेस्टोरेंट में बने एक छोटे से कमरे की तरफ बढ़ गए। वह कमरा ही रसोई था। उस कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी जिसकी जाली से साफ साफ दिख रहा था एक बूढ़ी औरत, जो शायद अंकल की पत्नी थी, गैस चूल्हे पर अंकल के लाए हुए ऑर्डर के अनुसार खाना बना रही थी। अंकल की पत्नी ने साड़ी पहन रखा था, उस पर लाल रंग का कार्डिगन। आंटी अंकल से ज्यादा चुस्त लग रही थी। हो सकता है वह अंकल से उम्र में काफी छोटी होंगी। उनका वजन थोड़ा ज्यादा था, लेकिन ऑर्डर वो बड़ी फुर्ती से पूरा करती जा रही थी। जैसे जैसे ऑर्डर बनता जा रहा था, अंकल उसे अलग अलग टेबल पर पहुंचाते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद अंकल 2 कप चाय कुल्हड़ में साथ में गर्मा गर्म मसाला मैगी लेकर आए। पहाड़ों पर घूमने जाओ तो वहां की मैगी एवं चाय में अलग ही स्वाद होता है। मैं कभी भी जब हिल स्टेशन पर जाता हूँ, पहाड़ों वाली चाय पीना और मैगी खाना नहीं भूलता। हर हिल स्टेशन की चाय और मैगी का अलग अलग स्वाद होता है, लेकिन हर स्वाद यादगार होता है। इस कसौली की चाय और मैगी भी बड़ी स्वादिष्ट थी। हमें भूख ज्यादा लगी थी तो फटाफट हमने अपनी मैगी खत्म कर दी। चाय भी बस खत्म ही होने वाली थी
कि अंकल आए और उन्होंने पूछा, साहब कुछ और लाऊं? हमने एक मैगी और 2 कप चाय का और ऑर्डर दिया। अंकल ने बड़े प्यार से पूछा, आपको मैगी और चाय कैसी लगी? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अंकल ये किसने बनाया है, बहुत स्वाद है खाने में और चाय तो लाजवाब है। अंकल के चेहरे पर खुशी तैर गई। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मेरी बीवी ही खाना बनाती है। ऐसा कहते हुए उन्होंने किचन की तरफ इशारा कर दिया। अंकल ऑर्डर देने फिर से रसोई में गए और वापस हमारी टेबल के आसपास घूमने लगे। मैंने उन्हें रोकते हुए पूछा, अंकल आपके घर में कौन कौन है? अंकल ने उत्तर दिया, अभी तो मैं और मेरी बीवी ही है। उन्होंने जिस तरीके से अभी शब्द पर जोर दिया, मैंने उनसे पूछा, अभी मतलब पहले कौन कौन था? इस सवाल पर उनका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उन्होंने रेस्टोरेंट के एक दीवार पर टंगी हुई तस्वीर दिखाते हुए कहा, यह मेरा बेटा है, ये फौज में था, इसकी शादी भी करा दी थी, कुछ सालों बाद एक पोता भी हुआ था। फौज में इसकी नौकरी अलग अलग जगह लगती थी तो यह छुट्टियों पर ही घर आया करता था। मैं, मेरी बीवी, मेरी बहू और पोता यही पास के गांव में रहते थे। एक बार के आतंकवादी हमले के बीच में मेरे बेटे की मौत हो गई थी। इतना कहते कहते अंकल की आंखों में उनका दर्द उतर आया। उनका गला थोड़ा रुंध सा गया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसी स्थिति में प्रतिक्रिया करनी चाहिए। मैंने देखा दीवार पर टंगी तस्वीर एक जवान लड़के की थी जिसने फौज की ड्रेस पहन रखी थी। उस तस्वीर पर हार पहनाया हुआ था। विनीत ने अंकल को ढांढस बंधाते हुए कहा, अंकल आपका बेटा तो देश के लिए शहीद हो गया। दुख तो होता है पर सोचिए यह कितने गर्व की बात है। आप जैसे माँ पिता ना हो तो हमारे देश की रक्षा कौन करेगा? तभी मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा, अंकल आपका पोता और बहू तो साथ में होंगे ना? अब पोता तो बहुत बड़ा हो गया होगा। इस पर अंकल ने खुशी से कहा, हाँ हाँ अब तो मेरा पोता 19 बरस का हो गया है। कभी कभी यहाँ आता है। वह भी अपने पापा की तरह फौज में जाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, जब मेरे बेटे का देहांत हो गया तो मुझे लगा मेरी बहू के सामने पूरी जिंदगी बाकी है। हम बूढ़े बूढ़ी तो एक दिन चले जाएंगे, पर बेचारी को इतनी बड़ी सजा क्यों मिले? मैं नहीं चाहता था कि वह अपनी बाकी की जिंदगी हमारी सेवा में लगा दे, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई के बेटे से उसकी शादी करा दी। अंकल के चेहरे पर शांति दिख रही थी। उन्होंने कहा, बहू दूसरी शादी के लिए बहुत मना कर रही थी, वह अपना बाकी का जीवन मेरे बेटे की यादों के साथ गुजारना चाह रही थी, पर अनुभव से मुझे पता है एक वक्त के बाद पति पत्नी का रिश्ता ही एक दूसरे का दूर तक साथ निभाते हैं। मेरे भाई और उसके बेटे को भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी, तो मैंने अपनी बहू को इसके लिए मना लिया। अंकल ने हर्षित होकर कहा, आज वो अपनी गृहस्थी में खुश है और मुझे अपने पिता जैसा सम्मान देती है। वह तो हमें यह होटल बंद करके अपने साथ रहने के लिए भी कहती है, लेकिन मैंने ही कहा कि इस काम से हम पति पत्नी का दिल भी लगा रहता है और जब शरीर नहीं चलेगा तब आ जाएंगे तुम्हारे पास। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि आंटी ने किचन की खिड़की से अंकल को इशारा किया कि हमारा ऑर्डर बन गया है। अंकल हमारा ऑर्डर लेकर आए उसी प्यारे से मुस्कुराहट के साथ। अंकल आंटी की इस कहानी को सुनकर मुझे अंकल के लिए प्यार के साथ सम्मान भी महसूस हो रहा था। हमने अंकल को पेमेंट किया और कुछ अतिरिक्त पैसे वहीं छोड़ दिए। जाते जाते आंटी की खिड़की के पास से ही मैंने कहा, आंटी आपने बहुत टेस्टी मैगी और चाय बनाया था,
धन्यवाद। आंटी मुस्कुराई और कहा, आप लोग फिर से आना। मैंने मन ही मन सोचा, ये अंकल आंटी सच में एक मिसाल है। जहाँ कई घरों में सास ससुर अपनी बहू के बारे में सोचना तो दूर, एक इंसान के तौर पर उसके साथ व्यवहार भी नहीं करते। ऐसे में इन्होंने अपने से ज्यादा अपनी बहू के भविष्य के बारे में सोचा और उसे बहू से बढ़कर बेटी का दर्जा दिया। हीरो वह नहीं होता जो फिल्मों में दिखता है, असली हीरो तो इनके जैसे लोग ही होते हैं, जो कुछ हटकर इंसानियत को ऊपर रखकर कुछ काम करते हैं।